जैसे मैंने आपको पहले कहा सत क्या संचार, मैं वो बात बोलूंगा जो मेरे साथ अनुभव भाई से भी डॉक्टर जी ने बताया, सब सब मेरे को बताया है, मेरे को बता दिया हमको ठीक है कि अब चार मेरे साथ रहती है। मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर जी खुद बताएं, मतलब सुनता है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बीते को बताएं जिसके आपको लाभ हो ताकि लोगों को फायदा हो। तो बेटियों और भाइयों इस मन को साफ करने का बात है, कैसे होगा सतपुरुष से होगा, क्या होगा कि वो जो ज्ञान देता है वो साफ बात बताएगा, जो उसके साथ बनती है वो तो आपको जस्ती है, तब आप समझिए तो ये मेरे साथ ही होता है, मैं नहीं करूँगा उसका बात जस्ती है तब होगी, अगर उसकी बात नहीं जस्ती तो कुछ नहीं। आपको जो कहने वाला आदमी कहता है आप होते बात तो सच्ची कहते, मेरे साथ भी है। तो मैंने भी आपको पहले सत्संग से पहले जो सत्संग वाली बात है वो तो बतानी, वही तो बतानी है, पर वो थोड़ी सी इशारा कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है बातचीत, बहुत छोटी सी बात है और मामूली सी बात है, अनुभव की बात बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि इस श्लोक में दुख किस बात का है, क्यों या तो हमको दुख है सुख है, सुख मिला तो राजी हो आप और दुख मिला तो परेशान हो, यही तो बात है नहीं तो और क्या है। कोई इस बात के लिए तो आया नहीं, आप में से भी आया इनके मैं मुक्त होना चाहता हूँ, कोई इस बात के लिए नहीं आया है, ये दुख सुख का मामला है, परेशानी है, किसी को कुछ है, किसी को बहुत है, किसी को शरीर की है, किसी को मन की है, किसी को धन की है, ये परेशानियाँ हैं। तो वो बड़ी क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो आप कुछ सत्संग सुन ही नहीं सकोगे। वो है क्या, दुख कहाँ से है, दुख आपके विचारों से, आप ईश्वरन से और आपके विचारों में बड़ी भारी शक्ति है। ये कहते हैं वैज्ञानिक वो करता तो विज्ञानी, आप विज्ञानियों को आप विज्ञानी आप गए हैं, वो तो एक ही जगह ध्यान करते हैं, यहाँ पर हर जो चीज़ देखते हैं वो मत के बीच में ध्यान करते हैं, ये ज्ञान का केंद्र है और उनको ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान चाहते हो, इस लोक का वह लोक का किसी जगह का, और तब तक होगा जब उसका ब्रह्मचारी ठीक है, चरित्र ठीक है, तब तक तो होगा, जिस दिन ब्रह्मचारी गिर जाएगा नहीं होगा, ये ब्रह्मचारी का सब्जेक्ट है। और आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, अज्ञान है हम लोगों को, हम गृहस्थी हैं, ब्याह शादी कर लेते हैं और गृहस्थ के लिए, तो गृहस्थ इस काम के लिए है कि हम संतान पैदा करें और ऊँचा विचार रख के करें, जैसे विचार रखेंगे वैसी संतान आ जाएगी। हमको होश नहीं होता संतान करते हो तो हम तो अपनी मस्ती में आप लोग मत के लिए करते हैं और वो संतान हमको दुख देती है। तो क्या क्या कमी है कि गृहस्थ के लिए सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ भोगो तो दुख नाम की आपको उमंग खुशी रहेगी, पति पत्नी में कभी नाराजी होगी नहीं, पति तो पत्नी को देख के खुश होगा, लक्ष्मी है घर में, वो आपको देवता यही है। और वो क्योंकि हम जो ज़्यादा सो भोग लेते हैं ना काम स्वाद के लिए, डेढ़ मिनट का स्वाद और उसके बाद शक्ति निकल जाती है, इसका ज्ञान सबको है, राष्ट्रपतियों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, सबको ज्ञान है सबको, और न कोई ये बात साफ बताता है। असली स्वाद की चीज़ जो आप में है वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जो आपके अंदर प्रकाश है वो है, और वो आपके वीर्य के अंदर है, और वो जो कामुकता से निकल जाता है उसके बाद माथा थोथा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, तो इसका ज्ञान है हमको, मैं वो बताता हूँ क्या ज्ञान है। और जब आप घर में बैठे हो, सास बहू हो या बाप बेटा हो, भाई भाई हो, कोई बात पर नाराजी होगी, नाराजी होगी तो दो बात से सास ने कह दी या बहू ने कह दी या कुछ ने कह दी, और वो मन ही मन में कुड़ रही है कि इसने मुझे को ये कहा, तेरी माँ ऐसी है, ऐसी है, ऐसे थोड़ी है, ऐसा है ऐसा है, वो गुस्से से सोचेगी, और वो गुस्से सोचते उसको कहते ईर्षा द्वेष नफरत का जो विचार हैं वो ब्रह्मांड में चले जाएंगे, विज्ञान के तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रेडिएट होके ब्रह्मांड में चले, चुपचाप जो आप सोच रहे हो ना, चुप बैठे हो और सोच रहे हो कि इसने ऐसा क्या, ऐसे क्या, ऊपर चला गया, और जाने के बाद वहाँ पर किसी खास लाइट से टकरा के बहुत सी लाइट हैं, और उसके बाद वो कर्म बन जाएगा। क्या कर्म बन जाएगा, गुस्से से जो सोचा है वो घटिया कर्म बनेगा, दुख देने वाला, तो वो जो मैंने सोचा, जिसके लिए सोचा है उसी कर्म आएगा वापस, इसका ज्ञान नहीं, और वो आखिर ये तकलीफ जाएगा, क्या तकलीफ, मन के प्रतिकूल घटना घटेंगे, बेटे को भेजा पढ़ने के लिए वो नहीं पड़ेगा, सब फैसला बेटे की सगाई नहीं हो रही है, लड़की की सगाई नहीं हो रही है, अब वो अपने घटिया विचारों का फल है। हर घर के बाद जो आप चुपचाप रहते हो ना घरों, सासू ताने पर ताना लगा देती है और कुटते रहते हो और बैठे रहते हो, और बाप बेटा कुटते रहते हो, भाई भाई कुटते रहते हो, रिश्तेदार रिश्तेदार कुटते रहते हो, पड़ोसी पड़ोसी कुटते रहते हो, वो जो कुटते हो तो मन ही मन के अंदर विचार ऊपर चले जाते हैं और दुख लेके आएंगे आपके लिए भी पड़ोसी के लिए, और एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुटती है तो वो ऊपर चले जाएंगे, जब आएंगे तो दोनों पार्टियों का आफत आ जाएगी, कोई सा हल नहीं कर सकेगा, बड़े पैमाने की बात है। तो देश के अंदर क्या चीज़, मैं घरेलू की बात कर रहा हूँ, आप गृहस्थी आदमी है ना, परिवार के, परिवारों के अंदर अगर सुख चाहते हो तो परिवार दो जो चीज़ चाहते हो दो, जैसे किसान खेत में दाना चाहता है, अच्छा गेहूँ चाहता है तो गेहूँ बाधेगा, और मकई चाहता है तो मकई बाएगा, तो अगर आप सुख चाहते हो तो सुख दो, किन को दो,
गुरु माता गुरु पिता पहले उधर आ जाओ, किसके गुरुदेव गुरु तो बोलेंगे हमारी सेवा करो, हमारा आश्रम बढ़ाओ, हमारे काम करो। वो ठीक है, वो अपने गर्ज के लिए काम कर रहे हैं और बात भी ठीक है, शायद वो लोगों को लाभ भी है। आपके लिए पहला काम ही गुरु माता गुरु पिता, गुरु माता गुरु पिता। बहू आती है तो सास घर में बैठे, गर्भान्य बैठी है वह तो उसके लिए माँ है, वो गर्भान्य हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है, तो उसके साथ में प्यार रहे और घटिया मत सोचो ना। घटिया सोचोगे तो आपके घर में आफत ही आफत आएंगी। कभी गुस्सा, ये बात सो का नाम है, गुस्सा निकाल दो आज से ही, 100 दिन की बात ही खत्म करो, आज से पर्ण कर लो, व्रत कर लो यो, और 4 व्रत के बराबर व्रत है कि मैं गुस्सा नहीं करूँ। मुझे कोई कहेगा, पति कहेगा तो ऐसी ऐसी है तो सुन के रही जी, और एक दो बात कह दो जी सर हो जाए आपका, और सास कह कहने के बाद में पगह लाग जाओ कि माता जी और कह दो आपका जी सर हो जाए, कड़ी बात सह दो। अरे ये है ना, आप बुरा मत सोचो किसी का, एक ही पर्ण है, एक ही व्रत। आज से अगर गुस्सा छोड़ दो, ये मेरी बात याद आ जाए, वो ज्ञान है सुन लो। आप जो सोच रहे हो, जो कुछ कह रहे हो, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ कि गुस्सा छोड़ दो, गुस्से से बुरा कर्म बढ़ेगा, तकलीफ आएगी, घर में आफत आएगी, क्या आएगी, मन के प्रतिकूल, दुखी होगे, दुख ना हुई है। और जो अच्छा सोचते हो, भला सोचते हो, बैठियो बात सुन लो, तो इतने तुम्हारा मन चंचल वही कमी है, मैं बता रहा हूँ, वही ब्रह्मचारी की कमी है कि उसका मन चंचल रहता है, यह सब कहना हम सब इसी। तो इसके लिए क्या कर, अभी से पालन पोषण करो, संतान उत्पत्ति करनी है तो गृहस्थ भोगो नहीं, अच्छा खाना पति को खाओ, खुद खाओ और अच्छा अच्छा काम करो। और अगर अध्यात्म की बात है तो अपने आपको जान लो, और सिद्धि चाहते हो तो आपके अंदर सिद्धि आ जाएगी, समझे। देख वही तो स्वाद नहीं है, तो अगर बात समझते हो गौर से तो समझो कि यहाँ से शुरू होता है। ये बात कोई बताएगा नहीं, मैं आपको जड़ चीज़ बता दी दुखड़ी कि ब्रह्मचर्य की शक्ति खोना बिना मत। अरे जानवर भी, गाय भैंस भेड़ बकरी भी होगा, माता आ जाएगा और उसके बच्चे की इच्छा नहीं तो वो अपने पास नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। जानवर हूँ देखो कॉमन सेंस से, वो मादा को जरूरत है बच्चे की, वह चाहती है, तय मारी है, तब जाएगा नहीं जाएगा। आदमी का बच्चा ये है, बच्चा पेट में फिर भी गृहस्थ भोगते हैं, हर रोज़ के लिए खीर खंड कर रखा है, दिमाग खराब हो रहा है सबका, तो दुख की वो ये बात है, अज्ञान है ये, अज्ञान। अगर ये ज्ञान हो जाए, नहीं तो ये डॉक्टर को ज्ञान है, नहीं ये वैज्ञानिक को ज्ञान है, नहीं कोई राष्ट्रपति को ज्ञान है, ये अज्ञान है जो मेरे अनुभव में आया, हो सकता गलत हो, मेरे अनुभव आया। मैं देखता हूँ लोगों, हर घर में तकलीफ है, और क्या तकलीफ है इस बात की, अज्ञान की। चाहे राष्ट्रपति का घर हो, चाहे चपरासी का घर हो, चाहे करोड़पति सेठ का हो, दुख है कोई ना कोई, या शरीर का कोई रोग है, घटिया सोच रहा है किसी प्रति, या फिर किसी को धोखा दिया रहा, दुख दे रहा है, तो धंधा को दूसरा लुटेगा। मतलब शरीर पर मन पर जो भी आपके तकलीफ आती हैं वो आपके सोचे ऊपर आती हैं। तो इलाज क्या है, छोटा सा इलाज है, आज से विचार करो कि मैं घटिया सोचूंगा नहीं कभी, सिर्फ सुंदर सोचूंगा। हाथ ने गाड़ भी काटी कुछ कहा तो बोले माता जी कोई बात नहीं, हाथ का दे आपका स्वभाव कोई बात नहीं, बस की बात करनी और कह दो आपकी बेटी हूँ कोई भी नहीं ये बात। और बहू ने कुछ कह दिया, सास को समझो कोई बात है और नाराज हो रही है, तो वो कह दे बेटा कोई बात नहीं बेटी, अगर ऐसा समझे तो कोई दुख आएगा नहीं। पर यह जो मुँह सुधार जो है ना, कड़े कुनीर खाड़े सामू कर बैठे रहते हैं, उस वक्त बुरा सोचते हैं, चाहे कोई भी बालिस्ट हो, चाहे छोटा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई मनुष्य मात्र, और यह दुख है। तो बेटियों दुख इस बात का है कि हमारे घटिया सोच का कारण है, तो सोच को ठीक बना लो। इसको शास्त्र में यह कह दिया, शिव संकल्प मस्तु, ये मनुष्य तू सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आई क्या समझ बात, तो मैं सत्संग कराने से पहले ये बता रहा हूँ कि कितनी सत्संग सुनो कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये बात अगर आप घर में सुखी नहीं है, कोई सत्संग सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र जाए, तो घरों को सुरग बड़ा सुरग सुरग सुख का नाम सुरग है। जिस घर में खुशी है, एक दूसरे को देख के राजी होते हैं, आओ आओ बेटा आके चरण स्पर्श करता माँ को, माँ आशीर्वाद दे, पिताजी आशीर्वाद दो। कितने के बेटे हैं जो आप में से सुबह बाप को आशीर्वाद देके जाते हैं, आशीर्वाद कितने के हैं, कितने बेटियाँ हैं जो अपनी सास को ससुर को चरण स्पर्श करती हैं सुबह, देखो खुद सोच लो। अक्सर कैसे जीत दिया, मतलब ये नाबीजी नहीं है, एक बहने का हाथ खड़ा कराया है तो नाबीजी नहीं है, क्यों मैं जानता हूँ इस बात को, अपने अंदर ही है जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सत कुसंग चंदन वेश व्यापे नहीं लिप्टेड, ऐसे उत्तम प्रकृति के लोग समझ गए हैं। एक्सेप्शनल में जाता हूँ गुरु के अंदर ऐसे घर देखता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताने की रहा हूँ कि पहली दुख क्या है, ये है। तो आज ही व्रत कर लो कि मैं कभी बोलूँगी रड़ घटिया, और मैं सोचूँगा बुरा, जो मेरा बुरा सोचेगा मैं सोचूँ भगवान इसको अच्छी रख दे, जो आपको कुछ आपका नुकसान कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपका बेटे का साग तार उसने कह दिया ये ठीक आदमी नहीं और वो चला गया, तो आप ये मत सोचोगे इसने मेरा बुरा कराया, बोलो इसी में भलाई है, मेरे पास चौकीदार थोड़ा ही था उसी ने वापस लटा दिया, वो बहू आती शायद तकलीफ जाती, इसमें भलाई है। आई क्या समझ बात, मतलब घटिया विचार सपने में मत आना, सपने नहीं देखे पर दोषा,
एक वाणी है रामायण गीता में, रामायण में है, नवदा भक्ति में बताया है, नवदा भक्ति में बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वीरनी को बता रहे हैं भगवान राम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुना करे, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति माना किसी को गुरु धारण करके और उसके पद पंकज, गुरु के पद क्या है, अंदर प्रकाश है, उसको कहते हैं गुरु के पद, जो पद है और वो रूप जो है वो राम नाम है, उसको शब्द कह दो, नाद कह दो, नद कह दो, दारू नाम, तो वो आपके अंदर है सब चीज़, आप ईश्वर से हैं, जो ऊपर ब्रह्मांड में ईश्वर शक्ति है वो उसका है, वही आप पिंड में आ रहे थे, वही पुण्य आपका छोटे लेवल पर है, अपने लेवल पर है और उसका बड़े लेवल पर है, तो आपको अगर सुखी रहना है तो सिर्फ विचारों को बदल दो, अरे छोटी सी बात, और वहाँ पर होगा क्या, आपको आखिरी जब जाके मिलेगा क्या, कर साधन करा के क्या मिलेगा, शांति, परम शांति, जिसके अंदर कोई अशांति की चर्चा ही नहीं होगी, तो कैसे ऐसी कौन सी शांति है मैं बता देता हूँ आपको, उसका भी नाम मैं देता हूँ, लोग नहीं देते हैं ये, महात्मा मैं देता हूँ आपको, जो मेरे अनुभव है, हो सकती है गलत है, कोई दावा नहीं है मेरा, मेरा अनुभव है कि जिस वक्त आप गहरी नींद में जाते हो तो आप वहीं पहुँच जाते हो, जब डीप स्लीप आ जाती है आपको, सुपने में जाते हो वहाँ चले जाते हो, तो वहाँ क्या होता है, कुछ नहीं, बात खत्म होगी, बूंद थी पानी में मिलगी, फिर कहाँ क्या चीज़ रहेगी, अरे किरण है तो उस प्रकाश मिलगी, तो आप जितनी देर वहाँ जाते हो तो उसी में मिल जाते हो परमात्मा, जिसकी हम कोशिश करते जाने की और उसका अंश है, और अगर हम सदा के लिए सुख चाहते हैं तो संतों ने बताया कि साधन करके आप जीते मुक्ति प्राप्त कर लो, इसी दिन ये कर लो, मरने के बाद शांति मिलगी, वो ज्योति जो समा गया वो मुक्ति मिल गई है, वो हवा खाओ, मरने के बाद किसी ने बताया तो नहीं आ कि मैं कहाँ पर हूँ, तो जीते ही मुक्ति प्राप्त कर लो, तो यह शक्ति मनुष्य आपके अंदर है, और अज्ञान का दुख है तो पहला यह है कि विचारों को ठीक कर लो, विचारों का लोक ये सब लोग संकल्प में संसार है, जैसे सोचता मनुष्य उसके विचारों के मुताबिक उसका गांव बसा हुआ है, पूरी दिल्ली बसी हुई है, पूर्व देशों के जितने लोग सब बसे हुए हैं, मनुष्य का संकल्प है, तो आपके संकल्प में देखो ना जितना ये क्रिएशन सब कुछ क्रिया, भगवान ने तो किसी नहीं देखा यहाँ पर, वो सामने सामने है ना आपको बनाने वाले मनुष्य आप हैं, वो आपके अंदर मेरा ही अनुभव है, और इसका आपका ये रूप क्या है, अज्ञान का दुख आपको और कोई दुख नहीं, आप तो ईश्वर से, या बात बताइए पहले, बात उन्होंने इसलिए नहीं बताई जिसे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बताया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है प्रेम है उसमें संपत्ति गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब तरह संपत्ति संपत्ति होंगी, जहाँ सुमति जिस घर का सब मेरे खुश हैं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बात करते हंसते हैं मुस्कुराते हैं काम करते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार से रहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ कि आप ईश्वर से कोई दुख नहीं, आपको दुख किसका है, अज्ञान का है, अज्ञान क्या है, पहला अज्ञान तो मैंने बता दिया विचारों का है, अच्छे विचार सोचोगे उससे तो आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगे, खुश होगे, और जो घटिया विचार होगा ईर्ष्या द्वेष नफरत का गुस्से से उसके आपके मन प्रतिकूल घटना घटेंगे, दुखी होगे आप, और अच्छा सोचोगे किसी की सेवा करने के लिए, किसी को प्रेम करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, किसी के दया करने के लिए, तो वो विचार जो है आपको आपके लिए मन के अनुकूल घटना घटेंगे, सब अच्छे सुंदर विचार सोचोगे मीठे अपने लिए भी दूसरे के लिए, तो आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगे, तो आपके विचार में शक्ति है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, विचारों को ठीक कर लो, अगर बात समझ आए तो आज ही नेम कर लो कि घटिया नहीं सोचूंगा, मैं गुस्सा का नाम नहीं करूँगा, रवाना कर दो गुस्से ने, जब गुस्सा आएगा आपको उस वक्त मेरे वाली बात याद आ जाए कि मैं क्यों देता हूँ, आग के अंदर पैर देता हूँ मैं, जब आग के अंदर नहीं देते ना आपको मालूम है कि आग के अंदर पैर जल जाएगा, अगर मेरे वाली बात आपको समझ आ गई कि दुख आएगा तो आप कट काट दोगे, मैं क्यों सोचूं करेगा तो भरेगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का भी जो आपकी दुश्मनी करे उसको भी माफ़ कर दो, क्या माफ़ कर दो कि बेचारा करने के लिए आया है, इसके बस की बात नहीं है, अरे कह रहे तो पाँच भाई ना दूसरा कह दे भाई ऐसी बात है बेटे, तो छोटी सी इलाज क्या बताया, केवल विचारों को ठीक कर लो वालो, जो मेरे समझवाइए कोई चीज़ कमी नहीं जो चाहोगे सो मिल जाएगा, पर घटिया विचार सोचोगे तो घटिया भी आ जाएंगे साथ साथ बढ़िया भी आ जाएंगे, अब जो हम पा रहे हैं घटिया और बढ़िया दोनों का मिक्सर विचार पा रहे हैं, जो पहले जन्म में कराया उसका भोगने के लिए श्लोक मारे वो अलग सत्संग है, ताकि आपको पता हो जाए क्या है क्यों दुख है क्या बात है, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि आपको दुख नाम की चीज़ नहीं है, अज्ञान का दुख है, किसको, मनुष्य मात्र को, सब मनुष्यों को, राष्ट्रपति जितने दुनिया के हैं अज्ञान में हैं, लड़ाई करा देते हैं देखो कितने आदि भरा देते हैं क्या कुछ करते हैं, बस जमीन वहीं रह जाती है, अगर उनको ज्ञान हो कि सब मनुष्य भाई हैं कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, अलग अलग पत्थे हैं, और हिंदू के राम अल्लाह अल्लाह करके शांति मिल जाती होगी, राम 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 करके हिंदू को मिल जाती होगी, सिख को वाहेगुरु वाहेगुरु को मिल जाएगी,
उसके मन को इकट्ठा होने का नाम तो शांति है, और मन की परिस्थितियाँ बिखर जाने का नाम दुख है। मन जब इकट्ठा होता है आपका तो आपको शांति है, तो गहरी जिन मन ही तो इकट्ठा होता है सब सिमट के ऊपर, और जितनी बार सोते हो चाहे कितने दुख भूल गए और आओगे फिर परपज। ये तो आपका रोज़ का प्राकृतिक जीवन है। मैं उदाहरण देता हूँ क्योंकि बगैर उदाहरण के नहीं बात समझ लो, रोज़ होती है बात। नींद नहीं आएगी 5-10 दिन दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। फिर वो वैज्ञानिक जो कंपोज देगा सोने वाली, पड़े रहो ताकि समता आ जाए, समझे ना बात। तो आप ईश्वर अंश हैं, आप ईश्वरीय शक्ति है, और आप रोजाना ही परमात्मा से मिलकर सुबह का काम करने के लिए आ जाते हो। मेरे को जब मैं ये काम कर रहा हूँ वो नींद आ गई, मेरे को अच्छी आई हुई है, और रह रहा हूँ सारा दिन वो सब रहता हूँ आके वही बात कर रहा हूँ। तो आज ये पहली बात ये है, कोई कहीं के दुख देने वाला आपको आदमी नहीं है। हम अपने विचारों से दुखी, मकड़ी जाला जलती है और खुद ही फंस जाती है। हम अपना ही ताना वाणा सौंपते हैं और हम ही पा लेते हैं। तो आप समझिए, दुख नाम घटिया विचारों का है और सुख नाम अच्छे विचारों का है। तो आज से क्या करो, शिव संकल्प मस्तु, जब सुबह उठे तो अच्छे विचार रखो। और कोई विचार आ गया किसी के प्रति, भाई के एक दुआई के एक रिश्तेदार पड़ोसी के प्रति आ गया बुरा, तो मेरी बात ये याद आ गई वो गुरु है। मेरी बात उस वक्त याद आ जाएगी, मैं क्यों सोचूं, करेगा सो भरेगा, तो आप काट दोगे। उसका नाम गुरु है, गुरु नाम ज्ञान का, समझेगा नहीं। ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ आपको वहाँ जाए, तो एक तो मैंने ये बता दिया मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और दूसरा ये बुकों का ढेर इसीलिए रखा है कि इसको भूल जाओगे, ताकि ये देखते हो पढ़ते रहोगे तो ताज़ा होते रहोगे, होते रहोगे, होते करते करते ब्यास के जलमती हो सुझाव। तो ये पढ़े लिखे आदमियों के लिए, विद्वानों के लिए। और अब ये इसका काम के फ़ायदा क्या होगा, कहीं तो पुस्तक देता हूँ देखिए प्रश्न दिया कुछ फ़ायदा नहीं। ये परमात्मा ने आपके लिए बड़े किसने छापी, किसने जो कौन भेज रहा है, भेजने के लिए रामदास ने क्या है। ये वो कहा भाई सत्संग तो मैं कराऊंगा, तेरे नियर और डियर आदमी सबको बुला लेना जिनका तेरे को प्यार है, और फिर ये क्या करे उनको साथ साथ पुस्तक देगा। और इसलिए मैंने सत्संग कराया है कि वो आपको एक पुस्तक देगा, उन पुस्तकों को वो पुस्तक वो नहीं है, अगर उसको आड़े में रख दोगे तो उसको दीपड़ नहीं, आपको दीपड़ लग जाएगी। परमात्मा ने तो आपको ज्ञान भेज रहा, आपने ठुकरा दिया। और मैं बोल दिया अलग खास पुस्तक है ये, फालतू लगाने के लिए अनुभव का सब्जेक्ट है, तो आप पढ़ लेना। दोनों बात मैंने बता दी है, इससे दुख क्या है और सुख क्या, इतना ही बताऊंगा। अब मैं आगे की थोड़ी बात कर देता हूँ, अब आगे की बताता हूँ। ये सत्संग जो है ये सब कुछ है, बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। अब सत्संग की बात कर रहा हूँ मैं, सत्संग दो तरह के होते हैं, एक प्रवृत्ति निवृत्ति, एक तो इस दुनिया में सुखी कैसे रहना है, तो इसके लंबा थोड़ा सत्संग है वो सब चीज़। डॉक्टर कमला जी ने बताया वही चीज़, अगर मैं बताऊँ तो सबके सब मनोज बता देगा आपको, सब चीज़ बताएंगे ये लोग वही चीज़। तो आपको इस लोक में रहते हुए कैसे करना है उसका ढंग सत्संग में मिलेगा। सब जितना ज्ञान है सुखी रहने के लिए सत्संग मिलेगा। इसको कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा, पर प्रभु की कृपा बिना सुलभ नहीं। ये पूरा भद्रगढ़ के आदमी सब मेरी बात सुन ली, सब इस बीमारी की खबर, सबको यही बीमारी है। मन से कोई नाराज है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई श्री धन से दुखी है, और सबके घरों यही बात है। अगर सभी मेरी बात सुन ली, सबके लागू आ रो और भी लोग जितने ये मेरी बात सुन ली, इस पर अमल करें तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। तो आपको जो बताया जाए इस लोक को सुखी रहने के लिए, पहले ये लोक को अच्छा बनाओ। लोक अच्छा कैसे बनेगा, जो कोई आपका अभाव चीज़ का अभाव नहीं रहना चाहिए, आप ईश्वर अंश हो, वो कैसे दूर होगा, वो आप इच्छा करो चीज़ की, जो चीज़ चाहते हो इच्छा करोगे भी, मकान नहीं मेरा मकान बन जाए, मेरे मकान बने अच्छी तरह, उसी तरह काम करना शुरू कर दो, साधन बढ़ जाएगा, मकान बना लोगे, दुकान 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 मिल जाएगी, लड़के अभ्या नहीं अभ्या की बार सब हो जाएगा। मतलब जो कुछ चाहते हो वो आपके विचार में सत्य हो जाएगा, सत्य में सच्चा करो। अरे वैसे नहीं टूकता तो कोई इष्ट मान लो, कोई किसको मान लो, तो आपकी मर्जी है, देवी को मान लो, राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, किसी को एक को मान लो, बाप की मान्यता है, बाप मान्यता है, विश्वास सत्य नहीं, विश्वास सत्य आप में बस सकती। देवी को आप प्रकट करते हैं, आपके प्रकट होती है, गुरु जी को आप प्रकट करते हैं, गुरु जी नहीं आते, जो आपके अंदर दर्शन करते हो वो बाहर से कुछ नहीं आता, वो ख्याल देता है। मैं ऊंची बात कर रहा हूँ आपको, ये जो बाहर का वो नहीं आता है, वो ज्ञान देता है, अपने ज्ञान के लिए जीता जागता होना चाहिए और वो ज्ञान देगा आपको। तो आप क्या करो, इस लोक को सुखी बनाना है तो अच्छे विचार रखो, और आपकी दुनिया में जिस चीज़ की कमी है उसी इच्छा रखो। और इच्छा का लोग यहाँ पर टीके लगाती हो ना आप बेटियाँ, ये जगह, इस जगह ध्यान करके जो इच्छा करोगे मकान की दुकान की रखोगे आपका पूरा हो जाएगा। और देवी देवता में रखा तो उसको रख लो आगे, कि देवी मैया तू ये कर दे, मेरा ये कर दे, राम भगवान तू ये कर दे, ये मुसलमान है तो अल्लाह को मान लो, उसी का सब नाम है। तो परमात्मा का नाम क्या है, क्या चीज़ है वो, परमात्मा है अकय, अपार, अगाध, अनामी। अकय है वो, कह नहीं जा सकता, बयान नहीं हो सकता क्या है।
और अपार है वो जिसका कोई पार नहीं पाता, अगाध है उसका कोई था नहीं मिलता, और अनामी है वो, और वो आपके अंदर है, आप उसके अंश हो। और इसका आपको यकीन ही हो जाए कि वो मेरे साथ है, किसका डर, किसकी चुगली करोगा, किसकी बुराई करोगा, किससे रुस होगा आप, जब आप पता सुन जब मेरे साथ ही देख रहे हैं, मैं बुरा सोच तो बुरा होगा तो वो चीज़ होगी नहीं आपको, कोई दर कोई तकलीफ नहीं होगी, आइए ना सुन। तो आपको बता दिया ये लोग सुखी बनाओ, और लोग सुखी बनाने के लिए इच्छा रखो, जहाँ मांग वहाँ पूर्ति, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आप उस चीज़ की इच्छा रखो सच्चे मन से, और मन मुंडो साफ रखो, ये नहीं कि अभी तो इच्छा रखो और कल बुराई सोचो और परसों बुराई, ये नहीं, मन साफ कर लो, हेरा फेरी झूठ कपड़े चार सब निकाल दो, मन साफ है और जो सोचोगा गोड़ी चोटो फटाफट हो जाएगा एकदम। तो दुनिया की चीज़ चाहते हो तो ये जगह ध्यान करने के लिए, और अगर आगे ज्ञान चाहते हो जैसे वैज्ञानिक वगैरह चाहते हैं विज्ञान के, तो वो ये ओम का स्थान बताते हैं या त्रिकुटी बताते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता बताते हैं, ये माथे के बीच में ध्यान करोगा, जो विचार दे के बैठोगा ज्ञान इस लोक का वाहि लोक का आपके सामने जाएगा। इसका जैसे विचार करोगे वो जो वैज्ञानिक नमूना ही सब जाते हैं जाके वो ध्यान साधन करते हैं, और जो चीज़ चाहते हैं फटाफट उसका पता लग जाता है, वो दुनिया की चीज़ों के लिए ज्ञान, और वो अगर परमात्मा के लिए ध्यान करने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा कर लो। तो ज्ञान का केंद्र ये है आपका, आपके अंदर है सब कुछ, कोई खोपड़ी में भरा पड़ा है, और आगे के लिए चाहते हो आनंद चाहते हो मस्ती खुशी, थोड़ा सा ऊपर ध्यान करो, उसके लिए साधन लगे, मैं बता दूँ क्या प्रकट होता है, बताने की जरूरत नहीं थी, आप पूछने के लिए आए हैं, न मैं बताने के लिए आया हूँ, ये डॉक्टर कमला जी कहते हैं कि जो बस साधन भी सब बता दो कहाँ कहाँ है, ताकि कहीं बाहर नहीं भटकना पड़े। तो आपकी खोपड़ी के अंदर सब कुछ जो ब्रह्मांड में भरा हुआ है पूरा ज्ञान है, और जिस जगह ध्यान करके इच्छा करोगे वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से ले करके इधर दुनिया की चीज़ प्राप्त होती है पहले, और सब होती है, अगर नया आँख बन करो मन ही मन सोचोगे तो सोचने को वही भी लगेगा, और वो अगर ज्ञान चाहते हो तो यहाँ इकट्ठा हो जाए, वैज्ञानिक वगैरह सब होते हैं, और जो जिन शास्त्र लिखे हैं जिन और कुछ लिखा वो यहाँ क्या करता हो उन्हें लिख दिया, ये ज्ञान का केंद्र है। और ऊपरी तो आनंद जिसको मस्ती खुशी रहती है, जैसे जैसे भंग पी रखी है नशा, कोई चिंता फिक्र नहीं, खुश रहो, ये दुकानदार हो तो खुश हो, जो कोई काम कर रहे हो खुश हो, IAS हो तो खुश हो, पुलिस हो खुश रहे, नाम है नारद जी के नाम नहीं, इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर जाता है उधर वहाँ चांद जैसी चांदनी साधन का है, वो अलग अलग बता दूंगा बाद में। तो वो उसके अंदर आनंद है, आपके अंदर आनंद के भरे हुए आप, और आगे फिर जाना चाहते हो कि जबरदस्त शक्ति चाहते हो, ईश्वरीय शक्ति चाहते हो, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, सफेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, जिसको ब्राह्मण का मंत्र है ना, ओम भूर भवे स्व तत्सवित्र ब्रह्म भर्गो देव से धीमई धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य तू जागते सुपने सुस्पति से गहरी नींद से आगे जो सूर्य है उसका दर्शन करो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, खुशी होगा, तो अमंग रहेगी। ये साधु महात्मा जो होते हैं गुरु चेला जो बने आश्रम वगैरह बनाते हैं, वो ये ध्यान करते हैं इच्छा करते हैं वो मिल जाता है उनको, प्रकाश के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर लोक लोकांतर बसे हुए हैं, कई लंबी छोड़ी लीला है, लीला में फंसे वो यहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं तो नहीं तो फंसा नहीं गया, नहीं मेरे को अनुभव है इसका, और इसके और आगे तक सदा अमर होना चाहते हो वो आगे बात है। इसी जिंदगी में रहते हुए अगर आप सदा के लिए अमर हो जाएँ कि पता है मैं वो दोबारा नहीं आऊँगा, यह कब्ज करो, जब इस दुनिया से स्वाद दे दिया खूब, और फिर देखे कोई स्वाद नहीं दुनिया में, तो दुख है, कदे शरीर का कदे मन का कदे दुख है, जलमना मरना भी तकलीफ है, और जो फिकाई है तब तैयार करो, और जितने स्वाद आता है स्वाद लो खूब, अच्छे अच्छे सोचो, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान खेलने के लिए आ रहे हो, अच्छा खेलो और खुश रहो बिल्कुल, तो हमेशा खुश रहोगे तब तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी आदत है कुनीन खाड़े एक तरह मुँह बढ़ाना, हमारे बस की बात नहीं है, बच्चा पेट में माँ कह माँ जो सोचती है बस ये सोचेंगे, ये किताब लिखी है मैंने सुखी जीवन का रहस्य, वो बच्चे का जो माँ जैसे चाहती है ऐसी संतान भी संतान जी उसको पता ही नहीं है, संतान पैदा करते बबावड़ी हो रही है कि अच्छे ब्राह्मणों की लड़की है कहाँ जाके शादी कर लेती है, किस जाति की किस बिरादरी की, जो संस्कार नहीं मिलते, और वो जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ उसके अंदर कोई जाति बिरादरी नहीं है, वहाँ तो जाति पाति पूछते ना कोई हरी को वजह से हरी का हुई, क्योंकि कलियुग के संत बताते हैं कबीरदास जी सबसे बड़ा संत होया है, राजदास जी सबसे बड़ा ज्योति घंटा करता बड़ा संत होया है। तो ये कलयुग के अंदर दरबार खुला, मनुष्य मात्र में शक्ति है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कर्म से छोटा और कर्म से बड़ा है। तो आप विचारों को ठीक कर लो और आगे या दुनिया ठीक बना लो, जब आपकी दुनिया ठीक बन जाए सब स्वाद दे दिए और फिर भी आपको उदासी आती है, बैराग जिसको हो जाता है कि यहाँ तो कुछ है तो नहीं, सब चाहे सेठ करोड़पति सेठ बन जाओ और चाहे बड़ा विद्वान बन जाओ चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, अगर दुखों से तो बच नहीं सकता। ये आपको कैसे अनुभव होगा, देखने से होगा, कैसे होगा, आप देखोगे राष्ट्रपति को तभी होगा, जब देखे नहीं तो क्या, मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बन के आया 5 साल के लिए, तो राष्ट्रपति भवन में मेरी गार्ड्स थी,
वो टेक्निक अफसर था, जाता रूटी डाटी पर तो राष्ट्रपति भवन जाता देखने के लिए गार्ड को, तो राष्ट्रपति की हालत मैंने देखी। बहुत भला आदमी था, कचर का खाता था, विदेशी बात करते थे, सब करते थे। और जब उनको दमे की बीमारी से दमे की बीमारी आती उस कपड़े काट काट फेंक देता बुरी तरह। मैं कह राष्ट्रपति ये बात, तो मेरे को बात पक्की हो रही, राष्ट्रपति भी इतना दुखी है, इतना चपड़ासी भी नहीं होता, चपड़ासी खाना खाए खाए गिर जाता जाता बच्चे पापा पापा करते वो खुश ले जाता खुश है, और ये तो बहुत दुखी है, समझे कि नहीं। तो उसका अनुभव जाता है, जैसे बड़े बड़े जो दिश हैं लोग तिनको व्यापक चिंता लोग जिनको आप बहुत बड़ा समझते हो, रात को गोलियाँ दो तीन खा के सोते हैं, रात को दो तीन गोली खा के सोते हैं, नींद को नहीं चिंता उनको। अब जैसे समझो बड़ा प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा देश का वजन पूरा है, और नींद को नहीं ठीक तरीके से, और दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। एक आदमी चौखी बात तो कौन माने लोग, तो बात यह है कि मनुष्य मात्र के अंदर जब ये समझ आ जाती है यहाँ तो कुछ नहीं, वो चाहे कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊँ, परमात्मा में मिल जाऊँ, वापस आऊँ नहीं, उसके लिए है जीवित मुक्ति। और वो मुक्ति भी मनुष्य इस शरीर में कर सकता है, कोई देवी देवता वगैरह चांद सूरज तारा सूर्य इत्यादि सीधा नहीं जा सकता। मनुष्य अगर चाहे इस जिंदगी में इच्छा करता है उसको ऐसे गुरु मिल जाएगा, वो चाहे उसकी चाह से मिल जाएगा सब। आइए समझ बात। तो आज के मैंने आपको सत्संग में सब बातें बताते बताते ये बताया, ये साधन क्या कर, ये जगह पक्की हो जाती ध्यान से। और ध्यान कब होगा, जब ब्रह्मचर्य की शक्ति है शरीर को मानसिक, तब होगा ध्यान। अगर वह शक्ति खो दी ध्यान करोगे तो पागल हो जाओगे, ये वजन पड़ेगा नहीं रगों पर खिंच जाएंगे, तकलीफ होगी। तो पहले ब्रह्मचर्य की शक्ति का कायम करो, काफ़ी दिन के लिए जरूरत है संताप भोगो, एक दो बच्चा हो गया पति पत्नी दोनों रखो, और ये चीज़ करते जाओगे तो आप आगे जो इन किताबों में लिखे, मैं तो इतनी कह नहीं सका, थोड़ी सी बात बोली है, अपना अनुभव बताया, ये मेरी किताबों में अनुभव है सब। और ये लिखने वाली डॉक्टर कमला जी है, ये संस्कृत की विद्वान थी, ये कहने लगी आप बहुत ऊंची बात करते हो, बहुत ऊंची, वो क्या ऊंची करता हूँ कि शास्त्रों में लिखा नहीं ऐसा, आप जो करें ऐसे नहीं लिखा, तो आप लिख दो तो मैं किताब बना दूँ। मैं कहा भाई मेरे को तो कुछ लिखना आता नहीं है, मैं तो सेना का ऑफिसर हूँ। कहने लगी नहीं जो आज मैं बोलूँ अच्छे लिख दे, हाँ जैसे बोलो वैसे लिख दो मैं किताब बना दूँगी बहुत बढ़िया। मैं को फिर संस्कृत में बोलना, संस्कृत को नहीं बहुत सादी भाषा में लिख दो सब समझा। तो इसने मेरा बोले हो कि कह करके किताब लिख दी, 17 पुस्तक लिखी छोटी छोटी, जो आखिरी पुस्तक है वो 107 पेज की है ज्ञान सागर, 17 लिखी, वो 17 पुस्तक आप मंगा के, ये आध्यात्मिक अच्छी लगे तो मंगा लो आप, इधर बोल दो यहाँ पर रामदास जी को बता दो, ये मनोज जी के पास फैक्ट्री उसकी लाइब्रेरी है, ये मनोज जी बैठे ने मनोज सिंगल, इनके पास इन लाइब्रेरी बना रखी है पुस्तकों की अपने गांव पिलाने के अंदर, और वहाँ से इसके पास बुक आती है, बुक लेके आया पूरी पूरी ऐसे रखता। तो आपको चाहिए घर बैठे दे दो ज्ञान, अब नहीं अब आपकी मर्जी है, और बाकी जहाँ भी आपका विश्वास है बांटी करो, अगर कोई रूप बंटते आपको देवी का राम का तो बनाए रखो उसको, क्यों मेरी बात समझो, कहता हूँ किताब तो मेरी भी देख ले पढ़ लेना, ज्ञान की जरूरत है उसके साथ। अगर ध्यान करे बैठोगे ध्यान ध्यान अकेला कुछ नहीं है, कुछ सोचोगे ध्यान करने बैठिए तरह तरह की बातें आएंगी, तो इसके साथ ज्ञान जरूरी है ध्यान के साथ। वो कब करना ध्यान वो बताए अगला, वो अनुभवी आदमी बताए, अब करो तो करो मत करो वो बताओ, वो काम कर लो, समझे कि नहीं। एक ध्यान 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 देने की बात करते हैं, तो ध्यान उसका जिसका चरित्र ठीक है और दुनिया बनी हुई है, और फिर वो आगे का ध्यान कर सकता है, और परमात्मा आपके अंदर जिस रूप में चाहो उसी में जरा जाएगा। लिखा पहले महात्माओं है ये बात है, जैसे मैं कहता हूँ बस ये बात कही नहीं उन्हें, सीधी बात कह रखे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, कि राम का रूप को माना तो राम आ गया, देवी को माना देवी, मोहम्मद को माना तो मोहम्मद ने मोहम्मद आवे ना राम आवे देवी आवे, क्यों मैं जीवता नहीं जाता तो कैसे मान लूँ, आपके सामने बैठे हूँ जिंदा हूँ जगह जगह रूप लोग नहीं जाता, तो मैं सोचता बाहर से कुछ नहीं आता है, सिर्फ आप ही पैदा करते हो राम को देवी को जो आस्था। तो गोस्वामी तुलसीदास ने मेरा वाली बात कह दी लेकिन छंद लकार लगा के कही, और इतनी बोले ज़्यादा नहीं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, कि जैसी भावना वैसे रूप आ जाएगा नजर, तो शक्ति आप में है, चाहते हो तो जुड़ मुक्त हो जाओ। साधन के तरीके ये हैं, पहले दुनिया बन जाएगी, यहाँ पर पहचान क्या है मन एकाग्रता की, इसकी पहचान है कि पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और मंदिर की तरह टाली बताएगी टन टन टन, तो क्या चीज़ रही पहले स्थान पर बन जाएगा आपका, तो पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और जो मंदिर में घंटा बता रहे टन टन घंटे की स्वाद है, ध्यान बढ़ गया जबरदस्त एकाग्र हो गया, सोचोगे भाई होगी, अगर गुस्से से बुरा सोचोगे पत्नी का तो बीमार हो जाएगी, पति का सोचोगे तो बीमार हो जाएगा,
और अच्छा सोचोगे अच्छा हो जाएगा। आपके विचार में शक्ति है तो उसको सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान बन गया तो कभी किसी को दूषित देना बुरा मत सोचना, नहीं तो घर में तकलीफ आ जाएगी। ये ज्ञान है साथ, और अगर ज्ञान चाहते हो तो यहाँ ध्यान कर लो मस्तक बीच में, जो ओम का स्थान कहते हैं। यहाँ ध्यान बनने का मतलब क्या है, पीले रंग का लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा और इष्ट की मूर्ति आ जाएगी, जिसको आप राम कृष्ण समझते हो उसकी मूर्ति सामने आ जाएगी लाल रंग का प्रकाश। पर इसका ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ताकत लगानी पड़ती है, अनुभव का सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर इससे ऊपर जाओगे आनंद मस्ती खुशी रहे, तो गुरु नानक देव उसको कहते हैं राते पी नानका उतर गई पर बात है, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात, वो अब मस्ती खुशी बनी रहती है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि इस आओगे तो लाल रंग का प्रकाश और गुरु की मूर्ति आएगी इष्ट की, राम कृष्ण जो मानते हो, और यहाँ पर आपके अंदर ज्ञान जो चाहते हो ज्ञान मिल जाएगा। शब्द क्या आएगा वहाँ पर, ओम की हिंदुओं का तो ओम 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 की ध्वनि है, मुसलमान वगैरह ई अमीन अमीन आ जाता है, कुछ आता तो नगारा बता दम 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 अरिया बादल की गड़गड़ाहट, ये शब्द आते हैं तो यहाँ पर आ गया जबरदस्त सिद्धि आ गया आपके अंदर, ये ओम का स्थान। और उसके ऊपर थोड़े तेज लोगे यहाँ पर जो कुछ अनुभव पुरुष है उसकी देख रेख में करना है, आप खुद नहीं करना है, वो कहीं तब आगे जाओ मैं पूरा बताने के डॉक्टर कमला रखा एसेंस का डाल दो, मैं बोले क्या फ़ायदा है, बोले नहीं सब पता लग जाए कि सब आप में। तो इससे का फिर तो आनंद रहता है आपको, मस्ती खुशी रहेगी, सारंगी जैसी तो आ जाएगी, सारंगी बजती है और चांद जैसी चांदनी होगी, पूरा पूरी रोशनी नहीं होगी जैसे चांद की चांदनी इतनी, और ये है आनंद का स्थान। तो इसको नशा बताया गुरु नानक देव, कहते रात ने पी शराब उतर गई और नाम कुमारी सारे दिन चली रहती है आपको ऐसा। तो अगले फिर इसके आगे ऊपर जाओगे तो सफेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, सोहम का शब्द है वहाँ पर, सोहम सोहम और सफेद रंग का प्रकाश जैसे लोटिया तस्ता साफ ऐसे, और वो प्रकाश आनंद देता है, आत्मपद है वो, आनंद रहेगा मस्ती रहेगी, बड़ा जबरदस्त आनंद आएगा उसके अंदर और सत्वों का बहुत जबरदस्त हो जाएगा। उससे थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे सत्लोक आ जाएगा, सभी प्रकाश प्रकाश में और छोटी छोटी सूरतें हैं उसके साथ, ये मनुष्य का जीवन जो है वो प्रकाश का ही घोड़ा सब कुछ है, उनका खाना पीना प्रकाश सब कुछ है और नीचे की बात नहीं। तो उससे फिर ऐसे हालत है सतलोक का, और सतलोक का नाश नहीं होता, तो संतों ने सतलोक तक बताया है, सतलोक माने स्वर्ग, सुख ही सुख है वहाँ पर, सदा विलास त्रास नहीं कबू और मस्ती खुशी रहती है। और वहाँ से उस प्राण छोड़ देंगे और उस जगह चले जाएंगे तो उसी जगह जाएंगे, फिर नीचे नहीं जाएंगे। और इसके ऊपर सदा के लिए अमर होना चाहते हो तो कलियुग के संतों ने बताया आगे चलो भाई आगे इधर आओगे तो बच्चे का ताड़ुआ जो टिप टिप करता नहीं ये जगह, इधर जब आपका ध्यान बन जाएगा तो आपको बाकी सब कुछ चले जाएंगे, नज़ारा जो कुछ नज़ारा कोई आवाज़ नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, राम नाम की धुन है, राम नाम नहीं है वो धुन है, एक मिठ्ठी अच्छी लगती है और सुनने वाली आप वो चीज़ बोल रही है ना आपके अंदर वो है, वो आप उसको सुनते रहो आहिस्ते आहिस्ते सुनते सुनते सफ़र करोगे। इस जगह से आगे का सफ़र है, इसका नाम अगम है, अगम मानी जिसको बहुत किनारा दूर जाएगा, चलते 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 मस्ती खुशी खंसी जाए खंसी, अंत समय अगर ये आता है तो उसी में मिल जाओगे। उसका अंत यह होता है कि जब आप उसमें घी पो गोता मार गए तो नींद वाली बात हो गई, नींद वाली बात होगी, सब कुछ खो दिया आप उसी में मिल गए। यानी अगर वो समुद्र है बूंद हो तो आप समुद्र मिल गए, और प्रकाश हो तो प्रकाश मिल गए, किरण हो तो मतलब वो अपनी अस्थि उसमें मिला दोगे। और फिर जब आते हो तो आप जीवता को सत्संग देगा आपको भी, अब बताएगा तू कहाँ चलेगा असली जगह चलेगा, जब तेरा प्रारब्ध भोगेगा आता जाता रहेगा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा देना देना, उसके बाद तू इसी में चला जाएगा और तू जीवित मुक्त होता है। तो कैसी दृष्टि बताएगा, वो कहेगा जो कुछ देखता सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ती सब नाशवान है। तो परमात्मा एक तो बताया ना आपको, जो आपके अंदर बोल रहे वो है अंदर की तरह, वो आपके अंदर रहेगा और वो चीज़ है, तो आपको सबको नजर आएगा सब में परमात्मा है। तो ऐसा आदमी क्या करेगा, चोर बाजादार है तो उसको चोर नहीं समझेगा, वो सदा परमात्मा ही ड्रामा करे चोर का, और पकड़ने वाला पकड़ लो पुलिस वाला बाजा, बोले वो परमात्मा पुलिस है, यानी सबको वो समझेगा। कुत्ता बिल्ली खेल रहे हैं तो बोले कोई बात नहीं ये लीला कर रहे हैं, मतलब यह है कि वो लीला समझेगा सबको परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। मुसलमान इसको कहते हैं ला इला इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, और हिंदू कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। जब तक जियोगा यह दृष्टि रहेगी जीवित मुक्त अवस्था की, और जब आओगे काम भी करते रहोगे साथ साथ इस तरह दृष्टि होगी, अब देखोगे कोई सब में परमात्मा परमात्मा नजर आएगा आपको, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हूबहू है, यह दृष्टि बन जाएगी, जीते मुक्त अवस्था की बात है। और जब आखिरी प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे उस दिन जब ये जो अंदर की राम नाम की धुन आएगी, इसको शब्द भी कहते हैं नाद भी कहते हैं सार शब्द भी कहते हैं, पता नहीं बहुत चीज़ें नाम है, वो एक धुन है
जो बताई नहीं जा सकती, अनुभव करी जाती है, वो आपके अंदर है। और आखिर ये चीज़ है, तो बाहर का गुरु आपको उस पूछने बाद सत्संग जो आएगा तब आप जाओगे, नहीं तो जाओगे नहीं। वो बताएगा कि इससे बाद जब आएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और जब तक रहता है तब जीवित मुक्त रहना, कभी कोई चीज़ का समझना चार जान वाली सब उसका खेल है। आई समझ? तो ये अवस्था मनुष्य की है। ये मैं कही है, आप सुनने के लिए नहीं आए थे, नहीं मैं ये बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसके बताने के लिए क्वालिफिकेशन है। कौन देश से था उसकी अलग क्वालिफिकेशन है। कोई सत्संग आए फिर बता दूंगा मैं आपको। तो मैंने आपको आज के सत्संग बताया है, आप ईश्वर अंश हो, आप ईश्वरीय शक्ति है, मेरे अनुभव के अनुसार। ये मेरा दावा नहीं है कि यही है। और बाकी प्रार्थना कर लिया मैंने बुकों में भी महात्माओं से, ए महात्माओं अगर मैं गलत हूँ तो कृपा करके मेरे को मार्गदर्शन कर दो। मेरा कोई दावा नहीं कही है, इसमें मेरा अनुभव ये है मेरा। अब मेरी दृष्टि है कि जैसे देखता हूँ वही वो नजर आता मेरे को। तो मैंने बेटी और भाइयों जो अनुभव किया वो आपको बता दिया, ये मेरा अनुभव है। और आप ईश्वर अंश हो, शक्ति जबरदस्त है, अज्ञान का दुख है आपको। तो ज्ञान कोई जीवता जागता जो है वो देगा आपको, अब कौन देगा वो अलग है। तो ये जो मैंने आपको बताया है चीज़, ये पूरी नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी बात बताइए उसके लिए बंडल बन के भेज रहा है। और इस बंडल को ये रामदास जी को बताया है कि आप जो प्यारे उनको बुला ले रही है, दे देना। अभी आप चाहते हो तो पूरी सेट ले जाना और ये पुस्तक पढ़ देना, और नहीं पढ़ सकते हो तो अच्छे आदमी को दे देना, एक एक पढ़ देना। और फिर पढ़ के कहते हो नहीं देता मेरे को दे देना उठी, फिर दूसरे को दे देना। अभी आप गुराई का काम कर रहे हैं, मेरा काम आप कर रहे हैं, वहाँ तो निर्णय नहीं जा सकता। उसका लाभ आपको भी होगा और उनको भी, उनको सच्चाई का पता लग जाएगा। और कहते हैं ज़्यादा पढ़ें तो 17 पुस्तक मंगा ले, 17 पुस्तक की कोई कीमत नहीं थोड़ी है, 290 रुपया लागते हैं एक कैलेंडर आ जाए। अगर 17 पुस्तक इसमें भी कैलेंडर है, कैलेंडर में जीवन सूत्र हैं, अगर वो जीवन सूत्र प्रैक्टिकल ले लिया तो पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं, इतना अपना ज्ञान नहीं है। तो आज के सत्संग बताया कि मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ, साथ साथ आपको ये ज्ञान का पोलसा देख जा रहा हूँ। और ये घर में रखने की चीज़ें आप ये बांट देना गाँव में, आपको जितना लाभ जो रामदास जी को हो रहा है उसमें से शेयर मिल जाएगा आपको, क्यों रामदास जी तो बांट नहीं रहे। और आप ही बेटियाँ आई हैं तो बेटियाँ सब चरण में मैं करूँगी काम, भाई को भतीजे को रिश्तेदार को भाई को दो, पढ़ के मेरे को दे देना। चार बार पढ़ देना, एक बार मैं कुछ नहीं समझ आएगी, क्यों बच्चा एक बार में थोड़ी पढ़ता है। और वो उसको ज्ञान मिल जाएगा, उसमें सच्चाई मिल जाएगी। तो ये आप काम करना, ये काम जो दिया है ये काम करना, जब तो आपका सत्संग सुन दोगे काम में देगा। अरे नहीं गए तो जाओ, ऐसे आए ऐसे जाओ, सेवा का मामला है तो सेवा ही नहीं करते तो क्या नहीं करते। तो सेवा क्या करते हो ये बता दो, तेरे को अच्छी लगे तो अच्छी हैं और आपको भी अच्छे लगे तो अच्छे हैं ये। अरे आपको नहीं लगते तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका कोई मतलब बात नहीं, जैसे जो काम करते हो करो। ये अच्छी लगे वो चीज़ है, अच्छी तब लगेगी आप धार्मिक हो, आपका विचार कल हवा निकल जाएगी मर जाएंगे, कल कुछ नहीं जाएगा साथ, ये चीज़ जाएगी, ये ज्ञान जाएगा। अगर आपने ज्ञान दे रखा है और कोई गुरु पीर बना लिया बीच के अंदर से और अंत में वो आ गया है तो आप नीचे योनी में नहीं आओगे, आगे चलो अगली योनी और अच्छी मिलेगी और मिलेगी। चार जन्म, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्तिपद, चौथे में निधाम, तो वह सब आराम आप कर सकते हो। मेरा अनुभव है अगर चाहते हो तो अभी जो मैंने बताया है ये पुस्तक दिवाऊँगा मैं, पुस्तक लेना। फिर इसके अलावा है ना आपके पास हैं ये डॉक्टर कमला जी के पास में चिप्स हैं, मेरे गुरु जी के सत्संग 17 दो, और बड़े बड़े महात्मा ब्रह्मानंद वगैरह कबीर वगैरह अच्छे अच्छे शब्द हैं उसके अंदर। और वो अगर आप 17 सत्संग 5-7 सुन लोगे तो इसी मेरे वाले जी की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी है। घर बैठे आपको ज्ञान मिलेगा, चाहे सगड़े फिराओगे हरिद्वार द्वार का सारे फिराओगे वो ज्ञान नहीं मिलेगा, और वो आप घर बैठे उस पुस्तक मिल जाएगा, वो चिप्स मिल जाएगा। तो तीसरा तरीका ये है कि आपको मैंने बता दिया बुकें, और ये बुकें आप पढ़ना दूसरों देना, और अगर बुक नहीं पढ़ सकते हो तो चिप्स ले जाओ, कुछ नहीं करना, मोबाइल में लगा देंगे टावरों को पता बच्चों को, और आप सुन दो और लगातार सुनते जाओ। ये 4-5 दफे सुन लोगा तो कुछ बाकी भटकने की जरूरत नहीं है, कोई शक रहेगा नहीं आपको, ठीक है ना। ये तो मेरा पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद आपको शक खत्म होगा। अब मैं सत्संग बताया इसके अंदर मैं पूछूंगा आपको कि कोई जो मैंने बताया दुख सुख का मामला इधर और है क्या, ये दुनिया में कोई तो दुखी है कोई सुखी है, बात तो यही है। तो मैंने चीज़ बता दी, अब आपको कोई इसके बारे में शक है तो मेरे को पूछ लो।